गुड मॉर्निंग दोस्तों, ग्रीन इको वाटिका में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह मेरा गुलाब का प्लांट है। यह रेड कलर में इसके फूल आते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसमें आते हैं। दोस्तों देखिए इसकी आज क्या हालत हो गई है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। दोस्तों यहाँ इसकी वजह अगर देखी जाए तो वजह है दोस्तों, ये देखिए इसकी पत्तियाँ किस प्रकार की पड़ गई हैं, और देखिए यहाँ पर इसकी जो बड्स हैं, ये बड्स देखिए किस प्रकार है, इसमें एफिड्स का अटैक हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ये जो एफिड्स है इसको हम लोग किस प्रकार दूर करें, अपने प्लांट्स में एफिड्स के अटैक को कैसे रोकें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस एफिड्स के बारे में। दोस्तों ये जो एफिड्स होता है ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। जब सर्दियों में गुनगुनी धूप आती है तो दोस्तों गुलाब पर एफिड्स का अटैक हो जाता है। ये दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर के और वाइट कलर के, जो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। दोस्तों ये फूलों के जो बड्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनको चूसने का कार्य करते हैं। दोस्तों ये पत्तियों को भी चूसते हैं, और जिसके कारण से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और दोस्तों कलियाँ भी आना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों इनसे समय के साथ ही इसका निपटारा बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो हमारे गुलाब हम लोगों का ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इसी के रहते आज हम लोग दोस्तों इसका ट्रीटमेंट करेंगे और अपने गुलाब को फिर हरा भरा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एफिड से कैसे अपने गुलाब को बचाएं और किस प्रकार इसमें अच्छी बड्स और अच्छे फ्लावर को दोबारा हम पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को इसकी प्लूनिंग करनी होगी दोस्तों। स्टार्ट। तो दोस्तों इसकी हार्ड प्लूनिंग हम लोगों को सबसे पहले कर देनी है, और जितने भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं दोस्तों, जैसे ये अफेक्टेड पार्ट्स है ये, और देखिए दोस्तों ये जो बड्स हैं इसमें फ्लावर निकल चुके हैं, यानी फ्लावर झड़ चुके हैं। और दोस्तों अगर ये लगे रहेंगे तो दोस्तों इससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सब लेते रहेंगे, जिसके कारण से प्लांट्स में जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको भी काटना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये जो अफेक्टेड पार्ट है इसको भी हम लोग काट देंगे, ताकि इससे जो है नीचे इसके और भी कहीं किसी जगह में इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले हार्ड प्लूनिंग करते हैं, और दोस्तों ये वक्त भी होता है गुलाब में हार्ड प्लूनिंग का। अगर आप लोगों ने भी हार्ड प्लूनिंग नहीं की है तो अपने गुलाब में हार्ड प्लूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्लूनिंग का वक्त होता है दोस्तों लास्ट अक्टूबर से लास्ट फरवरी तक का होता है दोस्तों, तो आप हार्ड प्लूनिंग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसी प्रकार ये अफेक्टेड पार्ट्स को हटा देते हैं, सबसे पहले इस बड्स को ही हटा देते हैं। दोस्तों इसको हम लोगों को अलग से एक जगह रखना है, ताकि ये एयर में उड़कर कोई दूसरे प्लांट्स को इफेक्ट ना कर पाए। तो हम लोग इन सभी को एक पॉलीथीन में भर लेंगे। देखिए इसको मैं इसी में रखता जा रहा हूँ यहाँ पर, और इसके जितने भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं उन सभी को एक जगह रख के बाद को इसको काफ़ी दूर किसी क्षेत्र में फेंकना है, या तो आप इसको पे गाड़ सकते हैं या तो इसको जला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग हार्ड प्लूनिंग के पहले आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आपके जो टूल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होना चाहिए। दोस्तों इसमें मैं सेवलॉन, इसको मैंने साफ करने के लिए सेवलॉन का यूज किया है। दोस्तों इसमें हम लोग एक बार ऐसे सेवलॉन को रगड़ देते हैं, इससे इन्फेक्शन इसमें नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों ये भी टूल्स है, ये गुदाई के समय काम आएगा, इसको मैं सेवलॉन लगाए दे रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग इसकी प्लूनिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ये अफेक्टेड पार्ट मैंने काट दिया है, अब इसकी जो कुछ लीव्स हैं उनको भी मैं यहाँ से काटे दे रहा हूँ। ये देखिए ये जो लीव्स है आपकी बिल्कुल बेकार बेकार सी लग रही है, ये भी इसमें भी इन्फेक्शन फैला है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग इसको हटाए दे रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए ये इसमें इस प्रकार की पत्तियाँ हो जाती हैं, ये सब इन्फेक्टेड पत्तियों को हटा देंगे। दोस्तों यहाँ भी देखिए इसने अटैक कर दिया है, और समय से इसका उपचार नहीं किया गया, तो इसमें अब दोस्तों इसको भी हम लोग कट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये हम मेरा जो रोज़ था वो करिश्मा रोज़ था दोस्तों, इसमें ब्रांच के साथ फूल आते थे, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते थे रेड कलर के। तो इसको दोस्तों हम लोग इसको काट रहे हैं, यहाँ से इसके नीचे के पार्ट से इसको कट किए दे रहा हूँ, इसको भी। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हम इसको भी कट कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये है, यहाँ पर इसको अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें भी ऊपर कोई बड्स नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको कट कर देते हैं। और दोस्तों इसमें केस के ऊपर भी अब यहाँ देखिए, इसमें कोई देखिए ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इसको भी यहाँ से एक कट कर देते हैं। दोस्तों जहाँ जहाँ हमने कटिंग किया है वहाँ से नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। इसको दोस्तों मैं यहाँ से इसको कट किए दे रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जो इन्फेक्टेड पत्तियाँ हैं, ये देखिए पीली पड़ गई हैं, इन पत्तियों को मैं निकाले दे रहा हूँ। कुछ पत्तियों को, ये जो पीली पत्तियाँ पड़ गई हैं, इन सभी को हमको निकालना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा इसमें देखिए एक यहाँ पर बड्स लगी हुई है, और इस पर भी देखिए अटैक है एफिड्स का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये आपने देखा होगा, ये ग्रीन कलर के एफिड्स हैं। तो इसको हम लोगों को, अब देखिए दोस्तों इसको, ये बड्स है, हम मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसको काटने का, लेकिन मुझे मजबूरी है, इसको दोस्तों काटना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा प्लांट्स भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको मैंने कट कर दिया है। इसके बाद मैं नीचे की जो ये लीव्स हैं इसको भी हटाए दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये भी देखिए, ये भी अफेक्टेड लीव्स हैं, ये सब इन सबको हटा दीजिए। हमारा प्लांट्स अब नए तरीके से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अब देखिए, हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको स्प्रे करना है। अभी देखिए ये एक बड्स है हमारी दोस्तों, इसमें भी ये भी इन्फेक्टेड है, लेकिन अब इसको रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें इन्फेक्शन नहीं दिख रहा ज़्यादा। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों को स्प्रे करना है। तो एक के लिए को, अब दोस्तों स्प्रे के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ये नीम ऑयल का यूज करता हूँ मैं दोस्तों। ये सबसे बढ़िया स्प्रे के लिए होता है, और स्प्रे के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें आती हैं जिससे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नीम ऑयल स्प्रे का यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इसको देना है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो 0.5 लीटर पानी में मैं यहाँ पर इसको 0.5 चम्मच नीम ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है दोस्तों। इसको मैंने देखिए इसको मिक्स कर लिया है, और इसके बाद अपनी स्प्रे बॉटल में इसको मैंने डाल के अब इसमें दोस्तों स्प्रे करेंगे। दोस्तों आप जो है नीम ऑयल की जगह पर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो व्हाइट विनेगर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच व्हाइट विनेगर लेकर स्प्रे कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप, अगर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आपके घर में कुछ भी ना हो, तो आप दोस्तों पानी से ही स्प्रे कर दीजिए, अच्छी तरह से पत्तियों को धुल दीजिए, और उसके बाद इसके ऊपर राख भी छिड़क सकते हैं दोस्तों, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके लिए अगर मान लीजिए आपको 0.5 लीटर पानी ले लीजिए, पानी इसके बाद डिटॉल हैंड वॉश जो होता है उसको भी मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है, आपके पास क्या है आप उसी से इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी तरह इसमें अच्छी तरह से इसको स्प्रे किए दे रहा हूँ, और इसकी पत्तियों को धुले दे रहा हूँ अच्छी तरह से।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा स्प्रे जो है हो गया है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है हम लोगों को इसी तरह। अब दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों, अब आता है इसमें इसके लिए, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो ये जो कटे हुए भाग हैं जहाँ पर हम लोगों ने कटिंग किया है, तो वहाँ दोस्तों हम लोगों को एक फंगीसाइड लगा देना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा फंगीसाइड है और इसको मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो दोस्तों इसके लिए परेशान ना हो, आप हल्दी लेंगे और हल्दी का पेस्ट बना लीजिए और हल्दी का पेस्ट भी इसके ऊपर चिपका सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको इसमें लगाए दे रहा हूँ हर इन्फेक्टेड पार्ट में। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको लगा दूँगा तो दोस्तों इसमें इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा। आपको भी ऐसा ही करना है अपने रोज प्लांट में। दोस्तों हम यहाँ पर कट वाले पार्ट में सब जगह फंगीसाइड का इस्तेमाल कर देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर रह गए अभी एक दो ठो, इसको भी किए दे रहा हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है हम लोगों को देखिए दोस्तों, इसकी मिट्टी को देखना है। अब इसकी मिट्टी में देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत सारे इसमें पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी सबसे पहले अच्छी तरह से गुड़ाई करना है, ठीक है। इसके बाद गुदाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये इसकी मल्चिंग करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे मल्चिंग, देखिए दोस्तों बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप ये जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बेकार हैं, इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, इन सबको हटा देना है। तो इस पत्तियों को दोस्तों मैं हटाए दे रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो इससे भी इन्फेक्शन पैदा होगा दोस्तों। और इन सभी पत्तियों को आप किसी दूर क्षेत्र में इसको फेंक आइएगा, ये अपने गार्डन में अगर आप ये रहेंगी तो दूसरे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है इससे। तो दोस्तों देखिए मैंने पत्तियों को हटा दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसकी जो है गुदाई कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं इसमें खाद भी थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा यहाँ पर। तो इसमें फिर अब हम लोग खाद मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने गुड़ाई इसमें कर लिया है यहाँ पर। दोस्तों इसमें कम से कम एक इंच नीचे इसकी मिट्टी होना चाहिए। कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो मिट्टी है इसको मैं नीचे किए दे रहा हूँ। थोड़ा सा जो पॉट होना चाहिए थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, इसमें ऊपर तक मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है। इस मिट्टी को मैं अपने गार्डन में डाल दूंगा। अब दोस्तों ये हो गया इसके, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा हल्का सा गुड़ाई इसमें किए दे रहा हूँ। दोस्तों गुड़ाई करने से क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में के अंदर एयर पहुँचने लगती है और जड़ें ग्रोथ करनी शुरू कर देती हैं दोस्तों, और जो ख़राब रूट्स होती हैं वो भी हट जाती हैं। अब दोस्तों ये गुड़ाई हो चुकी है, अब हम लोग इसमें खाद का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने इसमें यूज किया है, ये देखिए इसको, ये चाय की पत्ती है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें हमें चाय की पत्ती डाल देना है, इससे दोस्तों जो इसकी लीव्स हैं, लीव्स चिकनी होती हैं और प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। इसके बाद दोस्तों ये नीम है, नीम की पत्तियों से मैंने ये तैयार किया है। नीम की पत्तियों को पीस कर ये पाउडर तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप मिट्टी में इसको डालेंगे तो मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे, जिसके कारण से दोस्तों घोंघा पिल्लू वगैरह जैसे होते हैं तो वो मिट्टी के नीचे जड़ों में पहुँच जाते हैं और जड़ों को खाते रहते हैं, जिससे इससे भी बचाव हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने गोबर खाद लिया है। सॉरी दोस्तों, ये जो है मेरी नीम की पत्ती वो है और ये है गोबर खाद। तो दोस्तों इस गोबर खाद का प्रयोग भी मैं यहाँ पर करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद ये वुड ऐश है, यानी लकड़ी की राख आपके घर में उपलब्ध होगी। दोस्तों ये सभी चीज़ें आपके घर में आसानी से उपलब्ध हैं, तो दोस्तों इनका यूज कर सकते हैं। हल्का सा अगर हम लोग इसमें ये जो
राख होती है दोस्तों, इसको अगर हम लोग डाल देंगे मिट्टी में तो दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा जो एसिडिक मिट्टी हो जाती है, जिसके कारण से इसमें रोग होने की संभावना हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये धान की भूसी है, धान की भूसी मिट्टी को पोरस बनाती है दोस्तों। अगर मिट्टी जितना पोरस होगी उतना ज़्यादा मिट्टी में जड़ें इम्प्रूव होंगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको अब मिक्स करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें ये गोबर का, गाय की गोबर है दोस्तों, गाय की गोबर की खाद, इसको थोड़ा थोड़ा समय इसमें मिक्स किए दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर ये दोस्तों नीम की जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों को मैंने सुखा कर ये तैयार किया है। इसके बाद दोस्तों इसको भी मैं इसमें डाले दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब हम चाय की पत्ती, थोड़ा सा चाय की पत्ती, और ये दोस्तों चाय की पत्ती को आपको हफ्ते में एक बार या तो 10 दिन में एक बार आप चाय की पत्ती डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा अब ये राख को मिलाए दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा राख का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों, नहीं तो मिट्टी को एसिडिक होना भी ज़रूरी होता है, मिट्टी की एसिडिटी भी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें धान की भूसी का इस्तेमाल करता हूँ। ये दोस्तों ये देखिए मूंगफली के छिलके होते हैं, आप इसको भी दो चार छिलके इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बनाना पील भी होता है, बनाना पील का भी आप जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप इसमें डाल सकते हैं। बनाना पील जो केले के छिलके होते हैं उसको सुखा कर भी फर्टिलाइजर बनाया जाता है दोस्तों। अब मैं इसको मिक्स किए दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से इसकी खुदाई किए दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह आपको पहले मिक्स कर लेना है। इसको गुड़ाई यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से कर देनी है ताकि नीचे जड़ों तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाएं। और दोस्तों इसके लेवल को भी बराबर बनाना है आपको। अब दोस्तों अब देखिए ये लेवल यहाँ पर बराबर हो गया है, बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े हैं उसको आप इसको फोड़कर छोटे कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए मिट्टी को मैंने बराबर जो है इसका लेवल बराबर कर दिया है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसमें इसकी मल्चिंग की जाती है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए मैंने इस बजरी का यूज़ किया है, पत्थर। दोस्तों पत्थर एक ऐसी चीज़ है जिसमें 118 तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, जितने भी तत्व होते हैं सभी तत्वों की पूर्ति करता है ये पत्थर। तो इसको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाता है, इसीलिए दोस्तों इसकी मल्चिंग कर देंगे। इससे दोस्तों नीचे फंगस वगैरह भी नहीं लगता और जो लीव्स वगैरह होती हैं जो गिर कर नीचे इन्फेक्शन नहीं फैलाती। तो मैं इसके नीचे इसको डाले दे रहा हूँ, इसको मल्चिंग कहते हैं दोस्तों। इसके ऊपर हम फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले दोस्तों इसकी पत्थरों से मल्चिंग किए देते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस पत्थर को, मैं देखो यहाँ पर इसको रखे दे रहा हूँ, अच्छा सा खूबसूरत लगता है पत्थर। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसमें फर्टिलाइजर देना है, कोई भी फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं इसमें। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें सी बीड वो है देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो घास होती है और जो सवाल होती है उससे ये बनता है, लाइकिन वगैरह जो होती है उससे दोस्तों ये तैयार किया जाता है। और ये पेड़ों के जो ग्रोथमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके घर में ये उपलब्ध हो तो। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, इसमें आप एक लीटर पानी में, ये दोस्तों ये पानी है, एक लीटर पानी है, इस एक लीटर पानी में आपको एक चम्मच इसको डालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको लगभग एक चम्मच के बराबर इसमें ऐड किए दे रहा हूँ। और दोस्तों आपको इसको 15 दिन में एक बार देना है।
दोस्तों अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। अब दोस्तों ये देखिए हमारा ये फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। अब हम इसमें देखिए इसको हम लोग डाले दे रहे हैं और अच्छी तरह से आपको इसको डाल देना है, इसमें इस पूरे को आप इसमें डाल दीजिए। अब दोस्तों इसको जो ये हमारा प्लांट्स है दोस्तों, इसके पॉट को आपको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर पूरी की पूरी धूप न पड़ती हो, थोड़ा सा धूप हो, थोड़ा सा छाया हो। इसके बाद दोस्तों 3 दिन बाद आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। आपको 3 दिन तक इसमें कोई स्प्रे नहीं करना और दोस्तों इसमें वाटर भी नहीं देना इसमें। इसके बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ग्रोथमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने गुलाब को बचा सकते हैं। ठंडियों का सीजन है दोस्तों और गुलाब पर अपना ध्यान दीजिए और अपने बाग में ढेरों सारे फूल खिला सकते हैं दोस्तों गुलाब के। आपका गुलाब स्वस्थ रहेगा तो आपके बगीचे में अच्छे अच्छे फूल होते रहेंगे। देखिए दोस्तों जैसे मेरे ये इसमें फ्लावरिंग हुई है, इसी प्रकार दोस्तों ऐसे ही आपके जो बगीचे में बहुत सारे फूल खिलेंगे। बस आप गुलाब का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करिए दोस्तों। ठंडियों का वक्त है, ये गुलाब का सीजन है। अगर आपके घर में गुलाब नहीं है तो आप नर्सरी से गुलाब को ला सकते हैं। और गुलाब को केयर करने की जो टिप्स हैं दोस्तों, जितने भी टिप्स हैं मैं एक वीडियो में आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, उसको आप देखिएगा और अपने घर में गुलाब जरूर लगाइए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।